सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पिछले पार्ट्स में हमने जो हमारे को एक्सरसाइज नंबर 2.1 थी उसके अंदर कुल 10 पार्ट थे। तो पिछले पार्ट में हमने 1 to 9 क्वेश्चन कम्प्लीट कर लिए। तो आज हमारे ये पार्ट 4 है जिसके अंदर क्वेश्चन बचा है हमारा 10। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों में हमने एक चीज़ देखी थी कि एक ही चीज़ सेम करनी थी, वेरिएबल वाले नंबर को एक साइड में लिखना था और जो बिना वेरिएबल के नंबर थे उनको एक साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको वही करना है, तो सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, वेरिएबल का नंबर ये है, वेरिएबल का नंबर ये है ना। तो हम यहाँ पे एक ही चीज करते आ रहे हैं कि बिना वेरिएबल वालों को एक तरफ लिखते हैं और जो वेरिएबल के नंबर है उनको एक तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3m वेरिएबल का है, इधर आ गया तो 5m भी इसके साथ ही है। यहाँ पे बचा 8/5 और यहाँ पे माइनस का है ना, माइनस का 8/5। तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा। साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है, 5। तो यहाँ पे माइनस का इक्वल टू माइनस का 8/5। इस माइनस से ये माइनस काट दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई का है ना, m के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई का। जब इधर जाएगा तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड का बन जाएगा। तो यानी कि 8/5 डिवाइडेड में 2। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/5। तो यहाँ पे देखो, जब डिवाइड इस तरह का नंबर होता है हमारे पास, मान लो 3/2 डिवाइडेड में 5/3, ये नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर को तो हम ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं और इस वाले नंबर का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे 5/3 था तो 3/5 कर दिया। ठीक है, ये तो हमने बचपन में सीख रखा था। तो यहाँ पे भी वही करना है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, यहाँ मल्टीप्लाई लगाया तो 1/2। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 1 8, 5 2 10, काट दो, 2 5 10, 2 4 8। तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4/5। ठीक है, अब देखो यहाँ चेक भी करके दिखाना था हमको, तो यहाँ पे हम चेक करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे चेक करके दिखा देते हैं हम। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है 3m इक्वल टू 5m माइनस में 8/5। जहाँ पे भी m है वहाँ पे क्या करना है, 4/5 रख दो। तो यहाँ पे 3 इंटू में 4/5 इक्वल टू 5 इंटू में 4/5 माइनस 8/5। ठीक है, इस 5 से ये 5 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 12/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/1 माइनस में 8/5। तो इसका एलसीएम आएगा यहाँ पर, तो चलने दें दो इसको, तो इसका एलसीएम आएगा 5, तो 5 और 20, 20 माइनस 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/5 इक्वल टू 12/5। यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, यही करना था इस क्वेश्चन के अंदर। सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, सारे क्वेश्चनों में सिर्फ सेम चीज़ें ही करनी थी, जो वेरिएबल वाले नंबर थे उनको एक तरफ को लिखना था और जो बिना वेरिएबल के नंबर थे उनको एक साइड में, और हमको आसानी से सॉल्व कर देना था। ठीक है, और चेक करने के लिए बोला था, तो हमको चेक करना था जो ये वेरिएबल की वैल्यू आई थी ये इक्वेशन के अंदर पुट करनी थी और देखना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।